आके यहाँ पे होटल में सोने के लिए पे करके नहीं आई हूँ, मैं घर पे ही सो जाती फिर तो। जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, जो आप यूट्यूब में देखते हो, ऐसे देख के बहुत ही हाई होप के साथ कोई भी जगह पे मत जाना। हे गाइस, वेलकम बैक, इट्स अर्पिता। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज का टैगलाइन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि काफी स्टीमी वीडियो होने वाला है। मैं आपको बहुत सारे यू नो स्पिल द बीन्स करने वाली हूँ रिलेटेड टू कश्मीर ट्रिप, आर कश्मीर ट्रिप। सो हम रिसेंटली गए थे कश्मीर एंड बहुत सारे यू नो गोवा के टाइम में जब गई थी ना, पूरा सब कुछ मैंने डाला था, आइटनरी एंड ये एंड वो। मैंने वो सब कुछ डालने से पहले सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन कश्मीर। तो मेरे साथ ऐसा कुछ इतना कुछ हुआ है ना इस ट्रिप में, ओब्वियसली इट वाज वन ऑफ आवर ड्रीमी ट्रिप। लाइक बहुत कुछ हम लोग प्लान किए थे, सोचे थे। आई वॉज पर्सनली वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस ट्रिप बिकॉज मैं सब कुछ देख रही थी, फ्रॉम एजेंसी टू यू नो पेमेंट टू एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ देख रही थी। तो बात कर रही थी, कॉन्टैक्ट में थी, तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा ये चीज ना क्या हुआ है, हिट किया है। सो इसलिए मैंने सोचा कि यू नो आप लोगों को जरूर बताना चाहिए एक्चुअली क्या हुआ इस ट्रिप के दौरान। एंड इससे ना बहुत लोग जो लोग प्लान करते हो, नॉट जस्ट टू कश्मीर, कहीं पे भी आप दुनिया के किसी भी कोने में भी जाते हो ना, प्लान करते हो ना, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आप किस तरीके से इन लोगों को टैकल करो। इट इज नॉट दैट इजी यू गाइज। लास्ट मोमेंट पे मैं आपको बताती हूँ पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, स्कैम होना। एक्चुअली स्कैम होना पहले से स्टार्ट होता है एजेंसी के थ्रू। अगर आप ट्रैवल पैकेज लेते हो, अगर आप खुद से सब कुछ करते हो, तो भी आप स्कैम होते हो, ठीक है, तो भी आपके साथ स्कैम होता है। जब आप वहां पे पहुंच जाते हो, तो जब लोगों को पता चलता है कि यू नो इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तभी लोग स्कैम करते हैं जहां पे आप जाते हो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हो ना, वहीं से ही आपका स्कैम स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली कश्मीर ट्रिप में हमारे साथ जो हुआ मैं उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले हमारे साथ तो कोई भी एजेंसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। मैं अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि मनाली ट्रिप अच्छा था या फिर कश्मीर ट्रिप अच्छा था, आई विल टेल यू कि मनाली वॉज बेस्टेस्ट ट्रिप एवर। लाइक जो पैकेज हमने लिया था, जो एजेंसी वाले थे, बहुत ही बढ़िया थे। सैडली वो लोग अभी और नहीं चला रहे हैं, इसलिए हमने उनके थ्रू नहीं करवाया था। अभी हमने जिनके थ्रू करवाया था, उन्होंने हमें बहुत ही हार्ड टाइम दिया। सो आई वॉज बी लाइक यू नो लेट्स स्टॉप दिस थिंग। मैं उनका नाम भी रिवील करूंगी, सो दैट मैं चाहती हूँ कोई भी जो भी 100-200 लोग ये वीडियो देखे ना, वो लोग भी उनके थ्रू नहीं करें। अगर करेंगे भाई आपका मर्जी, आप देखो, लेकिन हमने जो अमाउंट दिया था, हमें उस अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं मिला। सो पहले तो हमारे साथ क्या हुआ, पहले मैं ही सबको समझ रही थी, मैं अपने हिसाब से जो भी उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था 6 डेज के लिए, होटल कहाँ पे रहना है, आइटनरी क्या बनेगा, मैंने उनको सब सेंड किया था। पहले तो आइटनरी वो आपके हिसाब से करेंगे नहीं, आप कुछ भी बोलो। जैसे कि अगर आपको पहले श्रीनगर जाना है, देन पहलगांव जाना है, देन सोनमर्ग जाना है, देन गुलमर्ग जाना है, अगर आप अपना आइटनरी दोगे ना, आप जो भी दो उसको चेंज करके अपने हिसाब से कराएंगे ही कराएंगे, वो अपने सुविधा अनुसार आपको वहां पे घुमाएंगे। सो मैंने उनको जो आइटनरी दिया था, उन्होंने उस हिसाब से नहीं किया, उन्होंने बोला कि चलो ये है। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो पूरा घूमना है, आप चाहे मुझे पहले घुमाओ, लास्ट को घुमाओ, बीच में घुमाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमारा पहला जो प्लान बना, जो आइटनरी फाइनल आइटनरी बना, वो बना कि हम पहले पहलगांव जाएंगे, वहां पे स्टे करेंगे, देन हम गुलमर्ग जाएंगे, वहां पे स्टे करेंगे, देन हम हाउस बोट स्टे करेंगे, देन हम श्रीनगर में स्टे करेंगे, क्योंकि हम उस दिन सोनमर्ग जाने वाले थे, लास्ट दिन हम श्रीनगर घूमेंगे। हमारा एक टोटल ये प्लान था। सो ये प्लान हमारा फाइनल हो गया। होटल मैंने सब कुछ अपने हिसाब से चूज किया था, उनको मैंने बताया, बार बार मैं उनको मैसेज कर रही थी कि यू नो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू नो हम बच्चे के साथ जा रहे हैं, वी डोंट वॉन्ट लास्ट मिनट का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो हमें नहीं चाहिए। एंड पैकेज बेसिकली आप इसीलिए ही लेते हो सो दैट आपको ज्यादा तामझाम ना करना पड़े। लाइक लास्ट मोमेंट पे जाके कौन यू नो वहां पे जाके कौन होटल देखेगा इतने ठंड में एंड इतना परेशानी यू नो देखेगा, राइट। सो पहले से अगर आप पैकेज कर लेते हो, आपको होटल मिल जाता है, आपको ड्राइवर मिल जाता है, आपको पूरा सब कुछ आइडिया मिल जाता है कि क्या 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 करना है, तो बेस्ट रहता है एक्चुअली ट्रैवल पैकेज। इसीलिए इसलिए ही हमने पैकेज लिया था, बिकॉज हमको आराम से घूमना था। तो फर्स्ट डे ही हमारे साथ जो हुआ, तो पहले तो आपको मैं एजेंसी का नाम बता देती हूँ, दैट इज ट्रैवल एजेंसी जो थे ज्ञान एंड रचना टूर्स एंड ट्रैवल्स, ज्ञान एंड रचना टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो इनके थ्रू
हमने करवाया था, जो उन्होंने हमको कोट किया था, हमने उनके साथ थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश की एंड 1-2 हज़ार का वो हमको यू नो नेगोशिएट करके हमने फाइनल किया। ले कश्मीर पहुंचे, फर्स्ट डे हमको पहलगाम जाना था। पहलगाम में मैंने इतना सुंदर होटल बुक किया था, एकदम रिवर साइड रिवर व्यू वाला होटल बुक किया था मैंने। एंड उन्होंने क्या किया, लास्ट मिनट पे मुझे लेके कोई दूसरे होटल पे खड़ा कर दिया। ठीक है, तो एज बी लाइक मैं उनको बोल रही हूँ कि आप इतना अंदर मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, हमारा होटल तो इतना अंदर नहीं होना चाहिए, हमारा तो रिवर्स साइड था। तो वो ड्राइवर हमें बोल रहा है नहीं, एजेंसी वालों ने जो हमें नेम दिया है हम तो वहां पे लेके जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो आप दिखाओ एजेंसी वालों ने क्या आपको दिया है। तो उन्होंने मुझे जब नेम दिखाया एज बी लाइक व्हाट, सो इट वॉज अ कॉटेज काइंड ऑफ थिंग एंड वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉटेजेस एंड ऑल। इतने ठंड में हमें चाहिए था कि थोड़ा सा अच्छा हो होटल। होटल वॉज गुड, मैं यू नो किसी को डाउन करके नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जो पेमेंट दिया था, मैंने जो पे किया था ना पैसा, उस अकॉर्डिंग नहीं था। जो कॉटेज में हम रुके थे ना, उसका प्राइस जो था हमने उसका इंटू टू पेमेंट किया है उनको, बिकॉज रिवर्स साइड होटल था। लेकिन हमको मिला जो उसके बदले एंड जो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड किया, रात भर, रात में 4-5 घंटे उनका करंट नहीं था। एंड उन्होंने बताया कि पूरे कश्मीर में यही प्रॉब्लम है, करंट का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। आई वॉज बी लाइक ओके, मैंने तब मान लिया, क्योंकि तब मुझे आइडिया नहीं था, फर्स्ट डे था भाई, मुझे कितने क्यों इतना आइडिया होगा कि कश्मीर में कितना करंट जाता है, कितना क्या होता है, राइट? उन्होंने मुझे जो पार्ट पढ़ाया मैंने पढ़ लिया। आई वॉज बी लाइक ओके, मैंने वो होटल जैसे तैसे करके वो रात हम लोग काट लिए। अगर आपको याद है तो मैंने बहुत झगड़ा किया था उस दिन उन एजेंसी वालों को, मैंने इतना मैसेज किया, इतना कॉल किया, उन्होंने मुझे लास्ट मिनट क्या रिप्लाई किया पता है, कि आपने जो होटल बुक किया था वहां पे रूम खाली नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लेके गए हैं आपको। आई वॉज बी लाइक मुझे तो पता होना चाहिए, मैं पेयर हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लिए कि मुझे वहां पे नहीं रहना, मुझे यहाँ पे रहना है। I was like, why? So, चलो जो भी हुआ उस दिन, सेकेंड डे जब हम गए दूसरे होटल पे, दैट होटल वॉज सो गुड, होटल सिग्नेचर लाइक इतना अच्छा था। वहां पे जाके हमको पता चल रहा था, तो उन्होंने हमें बताया कि कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है, बहुत पावर कट होता है, लेकिन होटल वाले अपने हिसाब से जुगाड़ रखते हैं कि क्या करना है, राइट? लेकिन बात यही है कि जहां पे लेके वो हमें फर्स्ट डे रखा, वहां पे कुछ उन्होंने बैकअप रखा ही नहीं था, इसलिए रात भर हमको 4-5 घंटे ठंड में सोना पड़ा। हमें आते हैं लास्ट डे पे अगेन हमने हर एक होटल में अच्छा रूम बुक करवाया था, लाइक सबसे अच्छा वाला रूम जो है वही बुक करवाया था। लेकिन वो लास्ट डे श्रीनगर में जो होटल उन्होंने हमने बुक किया था, उसने हमें क्या किया, लेके एक ऐसे रूम पे रख दिया जो कि आई थिंक जो नॉर्मल होते हैं ना रूम, उसी में, जिसमें ना हीटिंग एसी था ना कुछ भी, वहां पे सिर्फ एक ब्लोयर लगा हुआ था। इसमें इतने ठंड में -9 था वहां पे श्रीनगर पे, ठीक है, टेम्परेचर, लास्ट डे स्नोफॉल हुआ था वहां पे, ऐसे लाइक इतने ठंड में हमने इतना अच्छा रूम बुक करवाया था, आप हमें एक ऐसा रूम दे रहे हो जहां पे सिर्फ ब्लोयर के साथ यहाँ पे एयर कंडीशन। तो वहां पे मैं तो बहुत भड़क गई थी, क्योंकि लास्ट डे था वो, एंड मैं लास्ट डे नहीं था, सेकेंड लास्ट डे था, मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी। एंड तब मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको धमकी दिया कि अगर आप आज भी मेरे साथ ऐसा करते हो तो मैं डायरेक्टली आपके साथ कंज्यूमर केस करूंगी, बिकॉज दिस इज टू मच नाउ। फर्स्ट डे आपने मेरे साथ किया, आई वॉज ओके विद इट, देन मैंने 3-4 दिन मैनेज कर लिया, बिकॉज होटल भी अच्छे थे, स्नोफॉल भी हो गया था थोड़ा सा, इसलिए मेरा मन ठंड हो गया था। एज बी लाइक ओके चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, फर्स्ट डे मैं भूल जाती हूँ, नहीं तो फर्स्ट डे उन्होंने मेरे साथ जो किया था वो होटल को लेके ना, जो मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं सच में सोची थी कि मैं उनके ऊपर कंज्यूमर केस करूंगी। लेकिन लास्ट डे जब फिर से मेरे साथ ये हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ जिस टाइम बहुत टूरिस्ट जाते हैं ना, यही होता है आपके साथ, वो इतने लोग उनके पास आ जाते हैं कि वो किसी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, आपका इम्पोर्टेंस कुछ रहता ही नहीं है, दैट्स व्हाट हैपेंड टू अस। देन मैंने उनको बताया, देखो भाई हम तो है डिफेंस से, हम नहीं छोड़ेंगे, अगर आप आज भी हमारे साथ ऐसा किए, फर्स्ट डे मैंने छोड़ दी, तो मैं आपके साथ करूंगी कंज्यूमर केस। तो उन्होंने फिर, जैसे ही उन्होंने कंज्यूमर केस का सुना, तो फिर डायरेक्टली उन्होंने कॉल किया, उन्होंने फिर
पांच मिनट में उन्होंने हमें एकदम सबसे ऊपर वाला रूम जो है सबसे अच्छा वाला रूम वो उसमें आपको सेंड किया। वो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था, वहां पे हीटिंग एसी भी था, वहां पे ब्लोअर भी उन लोगों ने हमको दिया था, सब कुछ इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी था, सब कुछ था वहां पे। तो मतलब देखो, ये अगर आप ना इजी दिखोगे ना उनके सामने, इजी लगने लगोगे तो आपके साथ यही करते हैं। सो फर्स्ट डे ऐसा हुआ, मैंने उनको कुछ बोला नहीं था, इसीलिए उन्होंने लास्ट डे मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। आई डोंट नो व्हाट एवर द रीजन, लाइक उनके बीच में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। जैसे ही मैंने उनको धमकी दी, सब कुछ क्लियर हो गया। सो जैसे ही ये सब कुछ हुआ, फिर मैं हमारा लास्ट डे जो था साइट सीइंग हो गया। फिर मैं अभी आती हूँ अपने ड्राइवर को, होटल के बारे में। तो दो दिन हमारा होटल ऐसा हो गया। ड्राइवर का मतलब यही है कि वो आता है और उसका मेन मोटिव यही रहता है कि मैम आप ना आज ये जगह मत जाओ, यहाँ पे आज ना लगता है कि बहुत स्नोफॉल होगा, ऊपर गाड़ी नहीं जा पाएगी, मैम आज ना आप यहाँ पे नहीं जाए, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मैम आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे यहीं पे जाने के लिए तो बहुत ट्रैफिक होता है, यहाँ पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे जाओगे यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे अगर जाओगे तो आते आते तो रात 8 बज जाएंगे, फिर हमको रात भर वहीं पे रुकना पड़ेगा। ऐसा है, ऐसा था हमारा ड्राइवर, ठीक है। मतलब मुझे वहां पे जाके पता चला, सिर्फ अकेला वो नहीं है ऐसा, पता नहीं किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं, लेकिन मैंने जो 3-4 ड्राइवर के साथ एक्सपीरियंस किया ना इस बार, क्योंकि हम सिर्फ एक ही गाड़ी में पूरा कश्मीर नहीं घूमे थे ना, 3-4 ड्राइवर के साथ घूमे थे, तो सबका हालत वही है, सब इसी मोटिव पे पड़े रहते हैं कि कैसे पैसे उनसे पूरा ले लें। जैसे ही हम उनके गाड़ी पे बैठते हैं ना, पैसा पहले वो ले लेते हैं, फिर आपके ब्रेन वॉश करने में लग जाते हैं कि जल्दी 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 इनका खत्म करके भिजवाते हैं। इनका काम ही यही है, कैसे जल्दी जल्दी खत्म करें एंड दूसरा कस्टमर पकड़े। एंड देन ये क्या करते हैं, हर एक जगह पे कहीं पे भी लेके जाते हैं ना, मैडम इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगा, मैडम इसके आगे तो अलाउड ही नहीं है। हमें सबसे पहले ये बताया दैट लाल चौक में गाड़ी अलाउड नहीं है। आई वाज लाइक क्यों अलाउड नहीं है? फिर मैं तो गई सीधा पूछ ली वहां पे, मैं बोली कि वहां पे जो स्टोर थे वहां पे पुलिस वाले खड़े थे, मैं बोली यहाँ पे अलाउड नहीं, हाँ अलाउड है, यहाँ पे तो आ सकते हैं, यहाँ पे पिकअप ड्रॉप अलाउड है, क्यों नहीं है? लेकिन हमारा ड्राइवर ये देखो कितना झूठा है, मैंने वीडियो में बोला है कि वो हर जगह, इन लोगों ना टाई अप रहता है, ये लोग ट्राई करते हैं कि 4 बंदे हैं ना, 4 बंदों का यहाँ पे इनकम हो, इनकम होना चाहिए, मैं उसके ऑपोजिट में नहीं हूँ, जरूर होना चाहिए, लेकिन आप किसी को झूठ बोल के नहीं कर सकते हो, ये आपको सच बोलना चाहिए कि मैडम जाओ, हमारा यही सिस्टम है, आप जाओ, इट्स ओके, गाड़ी आगे नहीं जा सकता है, आपको चल के जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इरिटेटिंग सी बात है, राइट? तो क्या करते हैं, आप जो आइटनरी बनाते हो ना उस हिसाब से तो आपको घुमाते हैं नहीं, क्योंकि इन लोगों को घर पे भागना होता है 3-4 बजे से पहले। तो ये क्या करते हैं, जितना होता है एक दिन में, हाँ ना सच झूठ बोल के आपको उतना एक दिन में घुमा देते हैं। अगर आप उनके साथ वहीं पे झगड़ा करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो आपका घूमना तो गया। अगर मैं कभी भी फोर्सफुली उनको बोलती थी कि आप चलो आज हमें लेके वहां पे, आज हमारा वहां पे साइट सीइंग था, तो सीधे वो मुझे बोलते थे कि यू नो आज वहां पे स्नोफॉल होने वाला है, या फिर वहां पे गाड़ी नहीं जा रहा है, वहां पे ये प्रॉब्लम है, वहां पे वो प्रॉब्लम है, नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो लोग आपके ब्रेन वॉश ऐसे कर देते हैं जैसे आप वहां पे फंस जाओगे, मर जाओगे, कुछ हो जाएगा, फिर आप डर जाते हो, फिर बोलते हो कि नहीं यार नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे मैंने देखा कि यार कल तो इतने सारे लोग गए थे, इतने सारे लोग घूम के आए, ये ड्राइवर तो मुझे झूठ बोल के मुझे होटल में छोड़ के चला गया। फिर नेक्स्ट डे जब मुझे पता चला कि वो ड्राइवर मुझे झूठ छोड़ के गया था ना, आई वाज बी लाइक आज पूरे 6 बजे तक मैं घूमूंगी, क्योंकि कल आपने मुझे 3 बजे होटल में यहाँ पे ड्रॉप किया है, आज पूरा मैं 6 बजे तक घूमूंगी। एंड मैं फिर ड्राइवर का थोड़ा बिगड़ गया कि ये मुझे जबरदस्ती इतना परेशान कर रहा है। तो लाइक मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, मैंने जो पैसा दिया है ना वो हक का घूम रही हूँ, मैं फ्री में नहीं घूम रही हूँ। अगर मेरा है पर डे 5 बजे तक मैं घूमूंगी, आप मुझे 3 बजे में घर पे छोड़ के, रूम पे छोड़ के क्यों जा रहे हो? That is not fair. मेरा सब साइट सीइंग, यू नो आइटनरी में जो जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, मैंने उसके लिए पे किया है, मैं आके यहाँ पे होटल में सोने के लिए पे करके नहीं आई हूँ, मैं घर पे ही सो जाती फिर तो, होटल में वहीं पे केरला में होटल ले लेती, वहीं पे रह जाती, कश्मीर आके होटल में सोने के लिए थोड़ा आई हूं मैं, राइट? इन लोगों का पता नहीं माइंडसेट क्या है, और इन लोगों का ना सब अंदर अंदर टाई अप है, आप कुछ भी बोलो ये लोग एट दी एंड वही करते हैं जो उनको करना है।
सो देन आता है लास्ट चीज एंड सबसे बड़ा स्कैम जहाँ पे होता है, दैट इज क्लॉथेस एंड जो चीजें वे परचेज करते हो, पश्मीना के नाम पे कुछ भी बिकते हैं वो लोग एंड वहां पे भी फेक चीजें बिकते हैं. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जो पश्मीना आप बाहर से खरीद रहे हो जैसे कि पंजाब हो गए एंड हरियाणा हो गए, दिल्ली हो गए, वहां पे भी आपको पश्मीना की चीजें मिलते हैं. वहां पे भी जो बोलते हैं ना फेक काइंड ऑफ बोलते हैं, डुप्लीकेट फर्स्ट कॉपी जिसको बोलते हैं, वो सेम चीजें कश्मीर में भी बिकते हैं. तो आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं. मुझे ये आइडिया नहीं था तो मैंने काफी पैसे खर्च किए. जब मुझे पता चला जो रियल है वही लाना है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दो अगर आपको रियल चीजें चाहिए जो वही लेके आओ. कश्मीर एज अ प्लेस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है. जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, जो आप यूट्यूब में देखते हो, ऐसे देख के बहुत ही हाई होप के साथ कोई भी जगह पे मत जाना, बिकॉज इन रियल दे कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड इस बार मुझे कई बार ऐसा फील हुआ, बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल जस्ट बिकॉज ऑफ स्नोफॉल. क्योंकि स्नोफॉल हो गया था, ये ट्रिप हमारा सक्सेसफुल हो गया था, हिट हो गया था. एंड मुझे लगा कि अगर स्नोफॉल नहीं होगा तो हो सकता है कि हम कुछ भी ना देखे, सिर्फ सूखी पेड़, क्योंकि विंटर्स में तो ग्रीनरी नहीं दिखेगा, सूखी पेड़ एंड सूखी माउंटेन्स देख के ही हम जाएंगे. बट थैंकफुली एवरीथिंग वेंट वेल एंड हमारा ट्रिप हो गया सक्सेसफुली. आई होप कि जो लोग ये वीडियो देखोगे उनके लिए कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिला होगा कि किस तरीके से स्कैम होता है एंड किस तरीके से यू नो वर्चुअली एंड इन रियलिटी भी यू नो स्कैम होता है. सो इट इज रियल यू गाइज. सो दैट्स इट फॉर माय टुडेज वीडियो यू गाइज. मैंने बहुत बात कर ली, इट्स बिन 47 मिनट्स. मैं इसको कट कुट करके बहुत ही शॉर्ट करके डालूंगी सो दैट आप बोर ना हो एंड एंजॉय कर सको इस वीडियो को. मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.